أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे वो है फॉर्मूले मेथड ठीक है फॉर्मूले मेथड में हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं फार्मूलास a plus b होल स्क्वायर is equals to a square plus 2ab plus b square ठीक है प्लस का प्लस में आ रहा है ब्लू से और माइनस का ब्लैक में आ रहा है तो a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा is equals to a square minus 2ab plus b square इसी तरह हमारे पास a plus b होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है is equals to a क्यूब plus b क्यूब plus 3ab bracket a plus b a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी ठीक है स्टूडेंट्स ये फार्मूलाज आप लोग को रिकॉल कर लिए इनको आपको याद करना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूले के थ्रू काम होगा तो नाउ स्टूडेंट्स हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्वेश्चन है एलिमिनेट x बाय यूजिंग फार्मूला ठीक है तो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि फॉर्मूले के थ्रू काम करना है तो हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम करना है हम इस पे दूसरे मेथड अप्लाई नहीं कर सकते तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास x plus 1 upon x is equals to 2a एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो है x minus 1 upon x is equals to 2b plus 1 है हमारे इधर से इस इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना है इट मीन्स आपको x इधर नहीं आना चाहिए तो हम इसके लिए क्या काम करेंगे जब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर हम डायरेक्टली काम करेंगे तो हमारे पास अगर हम एडिशन पे काम करते हैं डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये चीज हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और एक्स एक्स बन जाएगा इट मीन्स टू एक्स तो इट मीन्स कि हमारे पास इक्वेशन में एक्स नजर आएगा अगर हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास अगेन एक्स बचेगा तो उसके लिए हम हमारे पास जो है फॉर्मूला मेथड उसके थ्रू हम काम करेंगे जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह सेम आ जाएगी देन फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब किस तरीके से काम करना है फर्स्ट वी गिविंग द नेम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाउ वी टेक इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 क्वेश्चन वन हमने ली इसमें हमने क्या लगाना है अब फॉर्मूला लगाना है अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर का लगेगा या क्यूब का लगेगा तो ये बात याद रखने की आपके पास जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो हम सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगेंगे अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है सिर्फ साइन का डिफरेंस है ठीक है तो हम इसको जो है ना क्या कहते हैं सेम करने के लिए क्योंकि हमारे पास स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूले में देखिए आप उधर a प्लस बी होल स्क्वायर में हमारे पास फर्स्ट और लास्ट हमेशा पॉजिटिव हो रही है दोनों फॉर्मूलाज में आप देखिए माइनस में भी और प्लस में भी फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉजिटिव है सिर्फ इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है मिडिल टर्म पे प्लस और माइनस मिडिल टर्म चेंज हो रही है साइन लेकिन फर्स्ट और लास्ट क्या है पॉजिटिव है जब इसमें वाला फॉर्मूला स्क्वायरिंग वाला अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट के रिजल्ट सेम मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर x और 1 upon x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है जब रेसिप्रोकल होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो फर्स्ट और लास्ट बचेगी तो नाउ स्टूडेंट हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो इधर हमारे पास x प्लस 1 upon x अभी तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता आपको पता है यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट तो कुछ भी नहीं आ रहा फॉर्मूला तो तब लगता ना पहले से जब ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद होता है लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं तो सो फर्स्ट वी टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड देन वी अप्लाई फॉर्मूला तो हमने हमारा हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि कौन सा हाउ मेनी टर्म्स इन ब्रैकेट टू टर्म्स फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म और ऊपर स्क्वायर तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स सेकेंड
टर्म वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये सिंगल टर्म है तो डायरेक्टली हम सिंप्लीफाई कर देंगे, टू का स्क्वायर फोर और एट का स्क्वायर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसको मजीद नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब देखें एक दूसरे के रेसिप्रोकल को करते कैंसिल, टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थ्री। ठीक है, इक्वेशन वन से हमने इक्वेशन थ्री निकाली है, इसी तरह इक्वेशन टू से हम इक्वेशन फोर बनाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन टू, नाउ इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू बी प्लस वन। अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर कहीं पे भी आपको स्क्वायरिंग नजर नहीं आ रही, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोगों ने पहले लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देन होल स्क्वायर और टू बी प्लस वन होल स्क्वायर। आप इधर देख सकते हैं हमारे पास दोनों जगह अंदर ब्रैकेट में टू टर्म्स हैं, इधर हमारे पास एक माइनस की है और इधर प्लस की है, तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात आती है जब भी हमारे पास ब्रैकेट में टू टर्म्स आएंगी और बीच में प्लस या माइनस साइन होगी ऊपर स्क्वायर होगा तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और आप देख सकते हैं दोनों टर्म डिफरेंट है तो हम दोनों फॉर्मूलाज को एक साथ लिख देते हैं इस तरीके से, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस में हमारे पास सिर्फ मिडिल टर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है। देन तो हम पहले यहाँ पे माइनस का अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इज एक्स, सेकेंड टर्म इज वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये ए माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह हमारे पास टू बी होल स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का अगर प्लस साइन प्लस का फॉर्मूला टू बी वन और वन का स्क्वायर। अब यहाँ से x है x कैंसिल, रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बच गई, एक्स स्क्वायर माइनस का टू प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देन इधर फोर डी स्क्वायर, टू टू जब फोर डी और प्लस का वन। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फोर। ठीक है, इक्वेशन वन से इक्वेशन थ्री हमने बनाई, इक्वेशन टू से हमने इक्वेशन फोर बनाई। आप देख सकते हैं अगर हम इनको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन थ्री और इन इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाली चीज सेम आ रही है, इट मीन्स हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इधर हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर की। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन एंड इक्वेशन फोर। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, पहले आप इक्वेशन थ्री लिख दो, मैंने तो फॉर्म वाली वर्डिंग यूज की थी इसलिए इक्वेशन थ्री पहले आप लिख दो ऊपर, प्लस प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू फोर बी इजिकल्स टू फोर ए स्क्वायर, फिर नीचे हमारे पास इक्वेशन फोर है माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू फोर बी स्क्वायर प्लस का फोर बी प्लस का वन। सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस से माइनस में, ये माइनस से प्लस। आपको पता है सारी इक्वेशन एक ही लाइन की एक ही लाइन में लिखी हुई है तो सबकी साइन चेंज होगी, तो हम इस साइड में भी काम करेंगे। अच्छा, इसमें दो तरीके से काम कर सकते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करके और एक कंपेयर करके। तो आपको मैं एक मेथड सब्ट्रैक्शन का बता रही हूँ, एक मेथड मैं कंपेरिजन का बताऊंगी, तो जो आपको जिस इजी लगे आप वही मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो देखें यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर बोथ आर द एडिटिव इनवर्स, ये भी एडिटिव इनवर्स है। अब प्लस टू और प्लस टू कितना हो गया फोर, और यहाँ पर जरा हमारे पास फोर ए स्क्वायर माइनस का फोर बी स्क्वायर प्लस का फोर बी सॉरी माइनस का फोर बी और माइनस का वन बच गया। अभी इसमें और मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर लाइफ टर्म्स तो वेरिएबल में कोई मौजूद नहीं है लेकिन कॉन्स्टेंट हमारे पास दो साइड पे आ रहे हैं, एक फोर और एक वन, तो इट मीन्स ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वन को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल्स टू 4a² माइनस का 4b² माइनस का 4b। अब ये किस इधर इसके इक्वल आ जाएगा 5a, तो मैं आपको शो करती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 4a² माइनस का 4b² माइनस का 4b। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो हमारे पास रिजल्ट बना रही है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको x नहीं नजर आ रहा है। इट मींस कि हमारे पास यहाँ पर x खत्म हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, तो हम अपना हैंस राइट कर देंगे। हैंस क्या हो जाएगा, x इज एलिमिनेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला मेथड अप्लाई हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे दो डिफरेंस x+1/x और x-1/x, तो आपने देखा हमने स्क्वायरिंग की, तो स्क्वायरिंग से हमारे पास सिर्फ मिडिल टर्म चेंज हुई और फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव थे, तो उससे सेम रिजल्ट मिल गया। सेम रिजल्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या काम किया कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, x² और 1/x² 1/x² और इन द एंड हमारे पास x एलिमिनेट हो गया। ये सब्ट्रैक्शन के थ्रू का आया था। एक क्वेश्चन और मैं सीधा आपको करवा रही हूँ जिसमें मैं कंपैरिजन मेथड अप्लाई करूंगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट कर रहे हैं। x³/y³+y³/x³ = m। सेकंड इक्वेशन है x³ - y³ (x³)-y³ (x³)-y³ (x³). आप इसमें भी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उसका है, हालांकि पावर्स क्यूब में, लेकिन साइन का डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग। अब वही मुझे फर्स्ट और लास्ट को सेम करना है, सो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आप देख सकते हैं जब मैं स्क्वायर करूंगी, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट है, ये भी फर्स्ट और लास्ट है, जब स्क्वायरिंग करूंगी तो मेरे पास ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6, जब अब साइड में स्क्वायरिंग करूंगा तो प्लस का फॉर्मूला रहेगा और इधर माइनस का। तो हम देख सकते हैं जब हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायरिंग का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x³/y³+y³/x³ = m। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, x³/y³+y³/x³² और इधर m पे स्क्वायर आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, देखिए रेसिप्रोकल है x/y, y/x, तो यहाँ इट मींस कि जब 2ab पे काम करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास बचेगी। तो हम अप्लाई करते हैं x³/y³² मतलब a² + 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो a है x³/y³, सेकेंड टर्म है y³/x³ और b का स्क्वायर इट मींस y³/x³² ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक फॉर्मूला लग गया। फिर हमने क्या किया, m का स्क्वायर, क्योंकि a की वेरिएबल है, सिंगल टर्म है, तो स्क्वायर डायरेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, ठीक, क्या बच गया हमारे पास, x^6 / y^6 + 2 y^6 / x^6 = m². अब कंपैरिजन मेथड में हम क्या काम करेंगे, जो प्लस का 2 है उसको मैं रिमूव करवा रही हूँ, माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने प्लस 2 था, अगर आपको माइनस 2 हो गया तो हमारे पास इसको इक्वेशन 3 हम नाम दे देते हैं। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 उसमें भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर को हम बोथ साइड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट में राइट इक्वेशन 2 और n, तो स्क्वायर को हम बोथ साइड
तो x क्यूब अपॉन y क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x क्यूब होल स्क्वायर और m क्यूब स्क्वायर। तो हमारे पास का मास फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, दैट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हम इधर अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास x क्यूब अपॉन y क्यूब, पूरी a की वैल्यू ये है होल स्क्वायर माइनस टू फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू, a की वैल्यू है x क्यूब अपॉन y क्यूब, a की वैल्यू प्रूव कर दी, b की वैल्यू क्या है y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस का बी की वैल्यू का स्क्वायर, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी रेसिप्रोकल है, कैंसिल, क्या बच गया एक्स पावर सिक्स वाई पावर सिक्स माइनस का टू वाई पावर सिक्स एक्स पावर सिक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसी स्टेप में मैं क्या काम कर रही हूँ, ये वाला माइनस टू का लेकर आ रही हूँ, तो ये किसका हो गया प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया एक्स क्यूब एक्स पावर सिक्स वाई पावर सिक्स प्लस वाई पावर सिक्स अपॉन एक्स पावर सिक्स, इसको इक्वेशन फोर दे देते हैं। अब इस स्टेप के बाद या तो हम सब्ट्रैक्ट कर लें या फिर आप मर्जी ये कंपेयर कर लें, क्योंकि कंपेयर तब करते हैं जब दोनों साइड हमारे पास देखिए लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड सेम आ गए, तो इट मीन्स मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर कर दूंगी इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर के साथ, तो हमारे पास जो कंपेरिजन वाली चीज राइट साइड है हम उसको उतार देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड वाला पार्ट दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को, तो हम क्या करेंगे जो राइट साइड वाला पार्ट है उसको दोनों को बराबर शो कर देंगे। किस तरीके से देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर, तो इक्वेशन थ्री हमारे पास क्या है एम स्क्वायर माइनस का टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस का टू, अभी माइनस का टू इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का टू, या सबको एक जगह लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं माइनस टू एम स्क्वायर माइनस टू माइनस का एम स्क्वायर माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो, इधर कुछ नहीं बचा अब जीरो हो गया, तो अब यहाँ क्या बचा मेरे पास रिजल्ट एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको हैंड लिख देंगे, यहाँ पर हमारे पास ये सेपरेट कर लेते थोड़ा सा। ठीक, तो हमारे पास कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर करने से हमने क्या किया, जो हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट था दोनों का इक्वेशन थ्री का और इक्वेशन फोर का दोनों का सेम है, तो हमने क्या करा कंपेयर कर दिया, जो उसका राइट साइड वाला पार्ट था उसकी वैल्यू को हमने कंपेयर कर दिया, तो एम स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू। अब मैंने सारी वैल्यू एक जगह मूव कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, जो चीज सिंप्लीफाई हो गई, अब हमारे पास x नजर नहीं आ रहा है, x एलिमिनेट हो गया है, तो हम हैंस राइट कर लेंगे, हैंस x इज एलिमिनेटेड। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशंस देख लेते हैं। रेडिकल x प्लस वन अपॉन रेडिकल x इज इक्वल टू p, इक्वेशन वन है, x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वेशन टू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट साइन तो है लेकिन यहाँ पे रेडिकल भी आ रहा है साइन, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन पे स्क्वायरिंग करेंगे, फिर देन आगे देखते हैं काम किस तरीके से करना है। हमने क्या लिया इक्वेशन वन ली, इक्वेशन वन पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, ए की वैल्यू रेडिकल में आ रही, बस रेडिकल एक्स का स्क्वायर हुआ प्लस टू रेडिकल एक्स मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन रेडिकल एक्स प्लस वन अपॉन रेडिकल एक्स का स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला तो आप लोगों को अप्लाई करना आता है, नाउ एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। आप इधर देख सकते हैं रेडिकल एक्स और वन अपॉन रेडिकल एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो गए। अब आपको ये बात पता है कि जब रेडिकल पे स्क्वायर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर से रेडिकल साइन कैंसिल हो जाती है, तो एक्स बाहर आ गया प्लस का टू बच गया और इधर से वन अपॉन रेडिकल वन अपॉन एक्स हो गया क्योंकि वन का स्क्वायर वन और जब रेडिकल पे स्क्वायर आया तो कैंसिल और एक्स बाहर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमने डायरेक्ट काम कर लिया पर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमारे पास ये प्लस का टू था मैंने रिमूव करवा दिया तो माइनस का हो गया, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू। तो मैंने अब इधर देखें इस इक्वेशन टू को और इस वाले इक्वेशन को देखें, हम
हमारे पास अभी भी यहाँ पे जो सेम इससे पहले क्वेश्चन में काम किया तो वैसे ही काम आ गया x माइनस और x प्लस। तो हम अब क्या काम करेंगे, हम इस पे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि जब मैं इस पे स्क्वायरिंग करूंगी क्वेश्चन टू पे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। तो जाहिर सी बात है मुझे इस पे अगेन स्क्वायरिंग करनी होगी ताकि मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाए। नाउ स्टूडेंट्स हम अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर। तो इधर हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे और इधर माइनस का, तो प्लस और माइनस के फॉर्मूलाज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट पे प्लस का लगाया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू अब पी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो गया क्योंकि ए के ऊपर स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की वैल्यू ये है, टू पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू और प्लस टू का स्क्वायर। अब इधर देख सकते हैं एक्स एक्स कैंसिल क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रिमेनिंग क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अब टू के ऊपर टू है पावर तो मल्टीप्लीकेशन होगी तो पी पावर फोर और टू इंटू टू फोर पी स्क्वायर प्लस का फोर टू का स्क्वायर फोर आ गया। अब इसमें हमने क्या काम किया था प्लस टू है मूव करवा दिया माइनस का टू हो गया तो हमारे पास इधर जो है ये नंबर फोर माइनस टू सिंप्लीफाई हो रहा है, बाकी कोई चीज हमारे पास लाइट टर्म नहीं है तो हमने इसको सिंप्लीफाई फोर माइनस टू कर दिया तो रिजल्ट क्या हो गया टू। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या बन गई पी पावर फोर माइनस का फोर पी स्क्वायर प्लस का टू। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया इसे कर चुका के। अब हम इक्वेशन टू पे काम करेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का लगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है टू इंटू टू फोर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स अब यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया रिमेनिंग टर्म क्या बच गई एक्स स्क्वायर माइनस का टू प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पावर फोर। अब ये माइनस का टू है इधर जाकर प्लस का हो गया राइट साइड पे तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पावर फोर प्लस टू। तो हमारे पास इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर देखें दोनों लेफ्ट साइड सेम आ गए तो हम क्या कर देंगे कंपेयर करवा देंगे, कंपेयर करवाते वक्त हम क्या करेंगे इसका राइट साइड वाला पार्ट इक्वेशन थ्री का और इक्वेशन फोर के राइट साइड इक्वेशन फोर के राइट साइड वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो देखिए हम पी पावर फोर माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू क्यू पावर फोर प्लस टू। अब इधर देख सकते हैं हमारे पास कोई लाइट टर्म है वेरिएबल में तो नहीं है लेकिन नंबर कॉन्स्टेंट हमारे पास सेम आ रहे हैं तो हमने मूव कर दिया एक जगह पूरे नंबर्स को टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर आ गए तो ये अपनी जगह पे ही रहा एज इट इज। अब यहाँ से माइनस का क्यू पावर फोर हो गया और माइनस टू हो गया इज इक्वल टू जीरो, जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बचेगी तो जीरो लिखेंगे हम लोग। अब प्लस टू और माइनस टू एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे तो कैंसिल हो गए तो रिजल्ट हमारे पास ये बच गया। तो नाउ वी राइट अवर हैंड्स इस क्वेश्चन इसका हैंड्स क्या होगा क्वेश्चन का एक्स इज एलिमिनेटेड तो जस्ट वी राइट हैंड्स एक्स इज एलिमिनेटेड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री का मैं आपको एक और सवाल का सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर थ्री के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर इज इक्वल टू क्यू पावर फोर। अब आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे फोर है तो हम अगर क्वेश्चन वन पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो हमारे पास यहाँ पर एक्स पावर फोर बन जाएगा और ये भी वन अपॉन एक्स पावर फोर बन जाएगा तो हमारे पास ये डायरेक्टली इसी रिजल्ट्स के बराबर आ जाएगा अगर हम सिर्फ इक्वेशन वन पे काम करते हैं। तो देखिए इक्वेशन वन हमने लिया यहाँ पर एक्स पावर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कौन सा ए प्लस बी होल स्क्वायर का तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अभी देखिए पावर पे पावर है तो मल्टीप्लीकेशन होगी पी पावर फोर आ गया डन। अब इधर देखिए रेसिप्रोकल थे कैंसिल हो गए तो क्या बच गया एक्स पावर फोर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर इज इक्वल टू पी पावर फोर।
ठीक है, ये प्लस का पी टू है गला का माइनस का हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर इज इक्वल्स टू पी पावर फोर माइनस टू। तो मैंने जो नाम दे दिया इक्वेशन थ्री का। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन थ्री और इक्वेशन टू का लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो हम डायरेक्टली कंपेयर करवा सकते हैं। तो हमने कंपेयर इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री को कर दिया और उसके राइट साइड को पार्ट्स को हमने इक्वल कर दिया, क्यू पावर फोर इज इक्वल्स टू पी पावर फोर माइनस का टू। तो देखिए इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ आगे सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं, कोई लाइन टर्म्स नहीं है, तो हमने अपना हैंड सेट कर दिया, एक्स इज एलिमिनेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सवालों में एलिमिनेशन किया बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमने फार्मूला करते हुए अप्लाई करते हुए क्या काम किया था, हमने इक्वेशंस को बैलेंस किया है, उसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट को इक्वल किया था। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको सब्ट्रैक्शन से करवाया है, बाकी मैंने सॉल्यूशन आपको कंपैरिजन मेथड से करवाया है। तो आप अगर आपको सब्ट्रैक्शन वाला मेथड आसान लगे तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर कंपैरिजन वाला मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, दोनों से हमारे पास रिजल्ट सेम आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन नंबर टू जो आपका होमवर्क है उसमें यहाँ पर x लिखा हुआ है बुक में, लेकिन आप इसको एक्स स्क्वायर कर लें। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री बी। तो आप देख लें क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, साइन डिफरेंस से और वेरिएबल की पावर भी सेम है। तो आपने क्वेश्चन वन पे भी काम करना है और क्वेश्चन टू पे भी काम करना है। ठीक है, फिर देन कंपेयर करवाना है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देख लें, फिफ्थ पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन की तरह है, सिर्फ हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज है। ठीक है, यहाँ पे टू वाई प्लस वन आ रहा है। तो आप लोगों ने फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करना है बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर वन की तरह है, उसी मेथड को अप्लाई करते हुए काम कीजिएगा समझ के। अब अपनी होमवर्क डायरी देख लें आप लोग। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर डायरी, डू कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट टू एंड फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 6.7। ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वमा अलैना इल्ला